सो नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त झारखंडी ब्लॉग्स फिर से एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। मैं भी बहुत ही मस्त हूँ। और आज गाइस दिन बहुत ही सुहाना है। आज मौसम सुबह सुबह हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे निकल चुके हैं डोबो डैम के लिए। और गाइस आज मैं आपको पूरा डोबो डैम को पूरा दिखाने वाला हूँ। एक इंटरेस्टिंग ब्लॉगिंग होने वाला है। तो गाइस चलिए आज की इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और डोबो डैम की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चांडिल रोड है जहाँ से आप चांडिल की ओर जा सकते हैं। और ये सांपड़ा पुल है गाइस, तो आप लोग इधर के कुछ व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यार है गाइस। और मॉर्निंग का टाइम है, आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा ठंडा है गाइस। 9 बजने वाला है लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा ठंडा है, मैं क्या ही बताऊँ। मास्क टोपी लगाने के बाद भी इतना ज़्यादा ठंडा दे रहा है गाइस। तो चलिए मैं आपको कुछ बैक कैमरा से दिखा देता हूँ इस जगह का व्यू, उसके बाद आगे चलते हैं। इस पल को दिल खोल के जी ले। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं इधर का व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है। और आप लोग इधर का देख सकते हैं गाइज, पानी, पहाड़, पर्वत, प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा गाइज, आके मन दिल खुश हो जाता है गाइज। उधर देख सकते हैं आप लोग, पानी है। और इधर कुछ पत्थर का डिज़ाइन बनाया गया है, देख सकते हैं गाइज, पूरा पत्थर पत्थर है आप लोग को। और गाइज इस साइड आप लोग देख सकते हैं, ये पावर हाउस है, यहाँ से कुछ पानी फिल्टर किया जाता है।
और आप लोग को इधर का एक पहाड़ दिख रहा होगा, लेकिन उसके पीछे उसके बैक में और एक पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। कुहासा के कारण दिख ही नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपको उसके पीछे दो बड़े बड़े पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। वो देखिए गाइस, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। गाइस यहाँ आने का मोटिव यही था कि एक प्राकृतिक का सौंदर्य है गाइस। एक भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग अपनी ज़िंदगी को जीना भूल जाते हैं, तो ऐसे प्लेस पे आके गाइस मनो ताज़ा हो जाता है, ज़िंदगी का एक मकसद मिल जाता है गाइस जीने का, कि कुछ करना है। तो बेसिकली गाइस ऐसे प्लेस पे आके यही एक मोटिव मिलता है कि आप आके ऐसे जगह पे देख सकते हो, घूम सकते हो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ऊपर में आपको नज़र आ रहे होंगे, वो पावर हाउस है गाइस, और इधर दो छोटे छोटे पावर हाउस है, आप लोग को उस साइड दिख रहा होगा, वो दोनों छोटे छोटे पावर हाउस है। और उस साइड गाइस आप लोग को नज़र आ रहे होंगे, उधर पिकनिक स्पॉट है, और उस साइड गाइस पिकनिक मनाने के लिए लोग आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं आज भी कुछ पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और गाइस इस प्रकार का कुछ डोबो डैम का व्यू है गाइस। ये जो डोबो डैम है ये बेसिकली पिकनिक स्पॉट ही है, यहाँ लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। तो गाइस अगर आप लोग आना चाहते हो तो इस प्लेस पे, तो मॉर्निंग के टाइम पे आइए, क्योंकि गाइस एक पहाड़ इलाका है गाइस, जानवर भी निकल सकते हैं, इसीलिए आप लोग जितना हो सके मॉर्निंग के टाइम पे आए और शाम तक लगभग 2-3 बजे तक यहाँ से रिटर्न चल जाइए। तो गाइस आप लोग फिर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा व्यू इस प्लेस का। आप लोग इधर से, मैं नीचे साइड में खड़ा हूँ गाइस, और यहाँ से पूरा डोबो डैम का पूरा आपको व्यू यहाँ से पता चल जाएगा। तो गाइस यहाँ कुछ वर्किंग का काम चल रहा है, अभी भी पूरा डैम को नहीं बनाया गया है, पूरा बन रहा है। सो गाइस मैंने आपको पूरा दिखा दिया इस डोबो डैम को, और आप लोग उधर देख सकते हैं गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। ऊपर चढ़ने का भी गाइस है, सीढ़ियाँ है, लेकिन चढ़ नहीं सकते गाइस, बहुत भूख लग रहा है। मॉर्निंग के टाइम पे आए हुए थे, अभी लगभग 12 बज चुके हैं, तो इसलिए गाइस नहीं चढ़ेंगे। मैं आपको कुछ खास है नहीं गाइस, ऊपर से नीचे का व्यू दिखता है बस, वही है और कुछ है नहीं। तो इंटरेस्टिंग प्लेस है गाइस, आप लोग आ सकते हैं, कुछ ऐसा व्यू है इधर का। तो चलिए गाइस वीडियो को एंड करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको इंटरेस्टिंग प्लेस में एक इंटरेस्टिंग पिकनिक स्पॉट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। फ्रेंड के साथ, तो फ्रेंड्स देख के साथ